झाझा नगर परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी विजय पासवान ने मतदाताओं के सामने अपने कार्यों को गिनाते हुए अपने पक्ष में वोट की अपील की। चेयरमैन प्रत्याशी ने कहा कि झाझा नगर परिषद में झाझा बस स्टैंड हो या और कहीं काम, जो मेरे कार्यकाल में किए गए, मैं वादा करता हूं कि इस बार अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो झाझा को एक अलग पहचान दिलाऊंगा और जो भी विकास कार्य होगा उसे मैं तेजी से करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि चार बार वार्ड पार्षद रहा हूं और हमारे क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, काम पर विश्वास करते हैं। इसी दरमियान हमने पब्लिक ओपिनियन जानने का प्रयास किया और क्या कुछ इस बार झाझा में चल रहा है जिसको मिलेगी सरताज। क्या कुछ चल रहा है झाझा में? झाझा में परिवर्तन का लहर दौड़ रहा है। चरखा छाप पर चप्पा चप्पा में चरखा चल रहा है, परिवर्तन की लहर इस बार दिख रही है। पूरा 2500 वार्ड में परिवर्तन का लहर सुनामी आया है। इस बार का विकास का मुद्दा होगा आप लोग? जी जी जी, अभी विकास का ही है, मुख्य मुद्दा विकास का ही है। क्या हमारे विकास होना चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि विकास ही, हम लोग चाहते हैं कि विकास ही हो। तो क्या आप लोग झाझा का, आप लोग के वार्ड में जो है गली नली का स्थिति ठीक है? बहुत है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और किए हैं अभी हम लोग वार्ड में, पहले जो थे हम लोग के वार्ड पार्षद पासवान जी, वो किए हम लोग के लिए रोड नली जो चाहते थे, हम लोग को मिला नल जल पानी व्यवस्था सारा मिला है इनसे हम लोग को जी। तो आप लोग संतुष्ट हैं इस बार अक्ष पद पे? हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जो पद है उस पे अपल रहे और जीत हासिल हो। क्या नाम है? टिंकू कुमार। तो का यही है कि हमारा जो गांव गिरान के हैं जीत जाए। कौन जीत जाए? विजय पासवान। क्या इनका क्या चुनाव चिन्ह है? इनका चरखा छाप है। फिर आखिर क्यों चाहते हैं कि गांव ऐसी रहना चाहिए? पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम विजय पासवान हुआ, मैं एक्स चेयरमैन हूं और लगातार चार बार से पार्षद रहा हूं। जमुई जिला में एकमात्र मैं नगर पार्षद हूं जो लगातार चार बार, यानी 2002 से ही हूं। लगातार चार बार आपको जनता सेवा करने का मौका दिया? जी हाँ जी। आप अपने कार्यकाल में क्या कुछ जनता के लिए ऐसा कुछ किए हैं जो कि उसको जरा बताने का कष्ट करेंगे? देखिए, पार्षद के तौर पर जहां तक सवाल है, तो पार्षद के तौर पर जो भी मेरा काम रहा तो उससे इतना संतोषजनक तो लोगों में रहा कि लगातार हमें आशीर्वाद देते रहे, चाहे सड़क की बात हो, नली की बात हो, गली की बात हो, पेयजल की बात हो, रोशनी की बात हो, स्कूल की बात हो, सामुदायिक भवन की बात हो, सार्वजनिक शौचालय की बात हो, इन सभी बिंदुओं पर मैंने परिश्रम कर काम किया। और जो भी गरीब गुरुआ थे जिनको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को भी बगैर एक पैसे कोई रिश्वत का सभी काम हुआ और इससे काफी लोग संतुष्ट भी हैं। और मैं जब चेयरमैन था वर्ष 2007 से वर्ष 2010 तक मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष था, उस दरमियान हमने जो भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, अब जहां जैसे कि आपका बड़ा सामुदायिक भवन हो या खुद नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन हो, विवाह भवन हो, जो आम आवाम के लिए एकदम जरूरी था, वो सब हमारे ही कार्यक्रम में लाया गया। और आपका यहाँ तक कि जो बस स्टैंड जो आज झाझा के लिए सबसे चर्चित सब्जेक्ट है, बस स्टैंड का उस समय माननीय उप विकास आयुक्त DDC साहब के द्वारा टेंडर वगैरह जमुई किया जाता था और इसकी राशि भी जमुई को जाती थी। हमने इस पर हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़कर और बस स्टैंड को अपने कार्यकाल में झाझा में लाने का काम किया, जिससे झाझा नगर पंचायत की राजस्व भी बढ़ी। और मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना हमारे कार्यकाल का सबसे चर्चित ये सब्जेक्ट रहा। हमसे पहले मुख्यमंत्री
मामूली